हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त नायरा आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ राइस बेनिफिट्स। जी हाँ, चावल के फायदे। हम अक्सर अपने घरों में चावल बनाते हैं और खाना खाते हैं। चावल हमारे भोजन का एक मुख्य रूप बन चुका है, एक मुख्य अंग बन चुका है। ये पचने में आसान तो होता ही है और खाने में भी स्वादिष्ट लगता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चावल सिर्फ खाने के लिए ही नहीं बल्कि कई बीमारियों को ठीक करने के लिए भी उपयोग में लाया जा सकता है? नहीं जानते थे ना? कोई बात नहीं, आज हम इस वीडियो के जरिए यही जानेंगे कि चावल के क्या क्या फायदे होते हैं। आप जानते हैं कि नए चावल के बदले पुराना चावल खाने में ज्यादा फायदेमंद होता है। कहा जाता है कि 3 साल पुराना एज किया हुआ चावल हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। अगर आप 3 साल पुराना चावल अपने खाने में शुरू करेंगे तो ये आपकी बॉडी के लिए और हार्ट के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। टिप नंबर 1, चावल पकाते वक्त उसका जो पानी होता है वो भी हमारी बॉडी के लिए काफी अच्छा होता है। कहा जाता है कि जब बच्चे बीमार पड़ते हैं तो उन्हें दाल या चावल का पानी पिलाना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि वो पानी सिर्फ एक पानी नहीं होता, उसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। इसलिए चावल के पानी को फेंके नहीं, अगर आपके घर में कोई बीमार है तो आप उसे चावल का पानी पिला सकते हैं, या फिर नॉर्मली भी चावल को खुले बर्तन में पका सकते हैं। इससे चावल स्वादिष्ट और अच्छा बनेगा। टिप नंबर 2, यदि हम अपने खाने में रोटी कम खाएं और चावल ज्यादा खाएं तो हमारी बॉडी के लिए काफी अच्छा रहेगा। आप सोचेंगे वो कैसे? वो ऐसे क्योंकि चावल हल्का होता है, वो पचने में आसान होता है और हमारी पेट के लिए भी बहुत ज्यादा लाभदायक होता है। नंबर 3, अगर आपको पेट की समस्या है तो आप चावल की खिचड़ी बनाकर खा सकते हैं, इससे आपके पेट के रोगों को छुटकारा मिलेगा। टिप नंबर 4, जिन लोगों को अतिसार की प्रॉब्लम होती है उनके लिए चावल एक बहुत अच्छा ऑप्शन माना जाता है। चावल के आटे की लोई बनाकर उसे काउ मिल्क में मिलाकर अगर आप रोगी को खिलाएंगे तो उसे अतिसार की प्रॉब्लम से छुटकारा जल्दी मिल जाएगा। टिप नंबर 5, चावल और मूंग की दाल को मिलाकर उसकी खिचड़ी बनाकर सेवन करने से दिमाग विकसित होता है। टिप नंबर 6, 10 यानी कि लूज मोशन होने पर भी चावल बहुत फायदेमंद होता है। अगर किसी को लूज मोशन हो रहे हैं तो आप चावल के अंदर समान मात्रा में दही मिलाकर खाएं, इससे लूज मोशन खत्म हो जाएंगे। टिप नंबर 7 है यूरिन के पेशेंट्स के लिए। अगर किसी को यूरिन की प्रॉब्लम है तो चावल के धुले पानी में आप शुगर मिलाकर उसको पिएं, ऐसा करने से यूरिन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। टिप नंबर 8 है उन लोगों के लिए जिनको माइग्रेन की प्रॉब्लम है। क्या आप जानते हैं कि माइग्रेन की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए भी आप चावल को यूज कर सकते हैं? ऐसा करने के लिए रात को सोने से पहले अगर आप चावल के अंदर शहद मिलाकर खाएंगे तो आपकी सिर दर्द की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और माइग्रेन भी खत्म हो जाएगा। टिप नंबर 9 है भांग के नशे को उतारने के लिए। जी हाँ, क्या आपको पता है कि भांग के नशे को उतारने के लिए भी आप चावल का इस्तेमाल कर सकते हैं? चावल के धुले हुए पानी में एक चुटकी खाने का सोडा मिलाकर पीने से भांग का नशा उतरना शुरू हो जाता है। सो फ्रेंड्स, ये तो थे वो फायदे जो कि चावल से होते हैं, लेकिन चावल के फायदे होने के साथ साथ नुकसान भी है। डायबिटिक पेशेंट यानी कि जिनको शुगर है, वो चावल खाने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लेंगे, क्योंकि शुगर के पेशेंट के लिए नॉर्मल चावल से ज्यादा अच्छा ब्राउन राइस रहता है। अगर किसी भी पेशेंट को ज्यादा मात्रा में शुगर हो चुकी है तो वो ब्राउन राइस खाना शुरू कर सकता है, इससे वो चावल के फायदे भी ले सकेगा और उनकी शुगर भी नॉर्मल लेवल पे रहेगी। सो फ्रेंड्स, ये थे कुछ ऐसे नुस्खे जो कि चावल से रिलेटेड थे। आई होप कि आपको पसंद आए होंगे। मेरी ब्यूटी और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। तब तक मैं आपकी दोस्त नायरा आपसे इजाजत लेती हूँ।